नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। में अशिक्षा और अज्ञानता के कारण कम उम्र में हमारी बच्चियों की शादी कर दी जाती है और जिसके कारण डिलीवरी के समय, प्रसरों के समय हमारी बहन की भी मृत्यु हो जाती है, आने वाले कल बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। और ये बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए राज्य सरकार ने एक योजना शुरुआत की है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। कौन कौन लोग जानते हैं, जरा हाथ उठाएंगे तो इसमें से। पंचायत सर, क्या नाम है? पूनम देवी। पूनम देव, बोलो। मैं आवास के लिए, पीएम आवास के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैंने पीएम आवास का अप्लाई किए थे 28/6/19 को। इसके लिए कोई मेरा कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद मैंने आवेदन भी दिए ब्लॉक पदाधिकारी को, उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। कब दी थी? 1/7/19 को। कौन है इधर का वीडियो? इधर ऊपर। ये गरीबी जो चेहरे में आप नजर, आपकी नजर आ रही है, इस गरीबी के चेहरे में हमें मुस्कान लाना, हर गरीब के घर में समृद्धि पहुंचाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये जो बेटियां आप देख रहे हैं बैठी हुई है, बगल में ही आप नर्सिंग कॉलेज, 11 जिला में जहां जहां आदिवासी क्षेत्र है वहां हम नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं और हर नर्सिंग कॉलेज में 120 बच्चियां, हमारी बेटियां नर्सिंग का ट्रेनिंग लेगी और ट्रेनिंग लेने के साथ ही इसका नौकरी भी पक्का है 15,000 रुपये का अपोलो हॉस्पिटल में। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।